वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमरूसखी। मैं हूं संध्या। आज मैं आपको कुछ नया और अलग दिखाने की कोशिश करने वाली हूं मेरी फ्रेंड अंकिता के साथ। तो आइए अंकिता जी, आज हमें क्या नया सिखाने वाली है आप? हाय फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाने वाली हूं मूंगदाल पैटीज। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे रेसिपी बनाने के लिए। अंकिता जी, अभी हमें बताइए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मूंगदाल पैटीज बनाने के लिए हम लोग ले रहे हैं ये ब्रेड्स है, ये मैंने 1.5 घंटा भिगो के रखी है। मूंगदाल लिए 2 बड़े, 1 प्याज बारीक कट करके लिए, बारीक कटी हुई धनिया, बारीक कटी हुई मिर्ची टेस्ट के अनुसार, जिसको जितना तीखा लगेगा उतना, तेल, हल्दी और नमक स्वादानुसार। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं मूंगदाल पैटीज बनाने के लिए। पहले हमने जो मूंगदाल लिए उसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमने ये अभी मिक्सर में बारीक पीस के लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे ये प्याज, धनिया, हरी मिर्च, आपको जितना तीखा चाहिए उतना आप डाल सकते हो, आधा छोटी चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक। ये हमने सब डाल के रखा है। पहले हम लोग गैस पे तवा रखेंगे। फ्लेम फास्ट होगा तवा गर्म होने के लिए, तब तक ये हम लोग मिक्स करके ले लेंगे अच्छे से। अभी हम ब्रेड लेके पैटीज बनाना शुरू करेंगे। आप हाथ के सहारे से या चमचे के सहारे से अच्छे से स्प्रेड करके लेना है आपको। ये अपना पैटीज ब्रेड को लगा के तैयार हो गया है पैटीज। अभी हम लोग तवे पे तेल डालेंगे। अभी तवा गरम हो चुका है। अभी हम लोग इस पे पैटीज रखेंगे। अभी हम बाकी से थोड़ा सा तेल छोड़ देंगे। ये दोनों बाजू से अच्छे से सेक लेंगे हम लोग। साइड से अच्छे से सेक चुका है, इसको हम प्लेट में निकालते हैं।
रेडी हो गए, बाकी बचे हुए ब्रेड का अभी हम पैटीज बनाते हैं। मूंगदाल पैटीज रेडी हो गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है रेसिपी, देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसी प्यारी प्यारी रेसिपी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू, थैंक यू अंकिता जी इतनी प्यारी रेसिपी बनाने के लिए और हमें सिखाने के लिए। बाय बाय।